हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ कुकिंग किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल डोमिनोज जैसे पिज्ज़ा घर पे एकदम आसान तरीके से। तो इसे झटपट आप भी बना सकते हैं बिना ओवन, बिना कढ़ाई और बिना तवे के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। चार पिज्जा बेस, पिज्जा बेस हमने घर पे बनाया है, इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे डाला है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसे हमने बनाया है बिना ईस्ट, बिना ओवन और बिना कढ़ाई के। तो इसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा ऑलिव, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न जिसे हमने बॉईल कर लिया है। तो सब्जी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो पसंद है सब्जी वो आप ले सकते हैं, मशरूम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो एक पैन हमने लिया है, पैन को हमने गरम कर लिया है, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें हम अपने प्याज को डालेंगे। क्यूब में प्याज को हमने काट लिया है, तो जैसा चाहे वैसा आप प्याज को काट के ले सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा सेलो फ्राई कर लेंगे ताकि सब्जी में कच्चापन न रहे। तो 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे सेलो फ्राई हमने कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब इसमें हम सेम पैन में फिर शिमला मिर्च को भी हम फ्राई कर लेंगे, इसमें हम तेल नहीं डालेंगे दोबारा से। तो 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे शिमला मिर्च को भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पिज्जा बेस हमारा दोनों साइड कितना बढ़िया है। तो ब्रेड पिज्जा का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे शेजवान सॉस, आप कोई भी सॉस इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें हम लगाएंगे ऑनियन, इसके बाद टमाटर जिसका मैंने बीजा निकाल लिया है, टमाटर के बीजा हमें नहीं डालना है इसमें। इसके बाद शिमला मिर्च, साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वीट कॉर्न, इसके बाद थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। तो चीज़ आप जितना खाते हैं उसके अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑलिव लगाएंगे, अगर आपके पास ऑलिव है तो लगाएँ, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा चीज़ हम फिर से डालेंगे इसमें। अब इसे हम रखेंगे कुक होने के लिए। तो इस दौरान फ्लेम को हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक कि चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो देखिए कितना बढ़िया से चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, पिज्ज़ा हमारा बन के रेडी है, बिल्कुल डोमिनोज जैसे पिज्ज़ा बना है। इसे आप भी झटपट बना सकते हैं घर में। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हर्ब्स और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। अब इसको हम काट लेंगे तो बिल्कुल खाने के लिए हमारा पिज्जा रेडी है। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं झटपट घर पे, तो बच्चों को भी दे सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।